पर आने वाला और साथ साथ सबसे पसंदीदा तरीन और सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब भी है। प्यारे दोस्तों, सोशल मीडिया पर खबरों में हमें सुनने मिलता है कि किसी न किसी मशहूर सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो ये खबरें हमें पढ़ने और सुनने मिलती है और ये खबर सुन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है खैरियत से। और इंशाल्लाह जिस इंट्रोडक्शन देने आ रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उन्हें जस्ट सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की और बहुत इबरतनाक लेने वाली वीडियो की। जिस तरह से हम लोग रोज़ कभी सुर्खियों में आता है सोशल मीडिया पर कि किसी सेलिब्रिटी ने इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम को अपना लिया, कभी किसी बहुत दौलतमंद या किसी फुटबॉलर ने, तमाम लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया, उसको अपना लिया, उससे इंस्पायर होकर इस्लाम को कबूल कर लिया और उसे अपना लिया। लेकिन दोस्तों, इसका उलट भी है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शोहरत के लिए, झूठी शान के लिए, मतलब शान शौकत, पैसा, दौलत, पावर के लिए इस्लाम को छोड़ते भी हैं। आज हम इस वीडियो के जरिए से ये जानने की कोशिश कि वो 10 लोग कौन बदनसीब हैं जिन्होंने इस्लाम को छोड़ के दूसरे मज़हब को अपना लिया, या यूँ कहें कि अल्लाह ताला ने उनसे इस्लाम की हिदायत ले ली, यानी उनका दिल से ईमान निकाल लिया और उनको इस तरह का देखा जाए तो वो काफिर भी बोल सकते बन गए, इस्लाम को जो छोड़ दिया, यानी कि उन्होंने अपनी दुनिया तो दुनिया, अपनी आखिरत सब कुछ बर्बाद कर लिया अपने पैसे के लिए, दौलत के लिए, शोहरत के लिए, और नाम हो जाए बस मेरा। इस तरह से भी लोग दुनिया में पड़े हुए हैं जो इस्लाम को छोड़ देते हैं। तो आइए इस वीडियो से समझाने की कोशिश कि वो 10 बदनसीब बगबत कौन लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके इसको शेयर करिएगा ताकि लोग इससे इबरत लें और इस्लाम को मजबूती से अल्लाह का रस्सी को पकड़े रहें और इंशाल्लाह दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पर आने वाला और साथ साथ सबसे पसंदीदा तरीन और सबसे तेज़ी से फैलने वाला मजहब भी है। प्यारे दोस्तों, सोशल मीडिया पर खबरों में हमें सुनने मिलता है कि किसी न किसी मशहूर सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो ये खबरें हमें पढ़ने और सुनने मिलती है और ये खबर सुनकर हर मुसलमान खुश होता है, उसका ईमान और बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो दौलत, नाम, इज्जत, शोहरत की लालच में आकर दीन इस्लाम को छोड़ बैठते हैं। आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे बदकिस्मत लोगों का जिक्र करेंगे जिन्होंने महज चंद टकों और दुनियावी शोहरत की खातिर दीन इस्लाम को तर्क कर दिया, या यूँ कहे कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों से ईमान की दौलत को निकाल दिया। नंबर 1, सैयद वसीम रिजवी। सैयद वसीम रिजवी वैसे तो एक मुसलमान था और अपने भड़काऊ बयान की वजह से मुसलमान के खिलाफ जहर उगलने से हिंदुस्तान के मुसलमानों की गुस्से की वजह बने रहता था। उसने नाऊज़ु बिल्लाह सुप्रीम कोर्ट में कुरान के अंदर से 26 आयतों को निकालने की मुहिम चलाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। और इसने इस्लाम से निकलने के बाद एक ख़ास कौम को आकर्षित करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ गुस्ताखी भरी बातें करता रहा और उसने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर एक किताब भी लिखी जो गुस्ताखी से भरी है, नऊज़ु बिल्लाह। उसने इस्लाम छोड़ने के बाद सनातन परम्परा अपना ली और अपना नाम सैयद वसीम रिजवी से बदल कर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रख दिया और आज उसकी ना तो कोई खबर आती है ना ही उसका कोई बयान। अल्लाह ने उस पर अपना अजाब इसी सूरत में उतारा। नंबर 2, हैप्पी सलमा। हैप्पी सलमा एक इंडोनेशिया मॉडल और एक्ट्रेस है जो कि 4 जनवरी 1980 में इंडोनेशिया में पैदा हुई। इनकी पैदाइश एक मुस्लिम फैमिली में हुई और जल्द ही वो पूरे एशिया की एक जानी मानी मॉडल बन गई। साल 2010 में उन्होंने बाली के शाही खानदान में शादी करने से पहले इस्लाम को छोड़कर हिंदू मजहब को अपना लिया। आज हैप्पी सलमा प्रिंसेस हैप्पी सलमा जारो के नाम से जानी जाती है और शादी के बाद अब तक इनके 2 बच्चे पैदा हो चुके हैं। नंबर 3, हरिलाल मोहनदास गांधी। भारत में महात्मा गांधी के नाम से मशहूर उनके सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी की कहानी काफ़ी अजीब है। हरिलाल गांधी 23 अगस्त 1888 को पैदा हुए और साल 1936 में हरिलाल गांधी की उम्र 48 बरस की थी तो उन्होंने पब्लिकली दीन इस्लाम को कबूल कर लिया था और अपना नाम बदलकर अब्दुल्ला गांधी रख लिया। लेकिन लोगों ने इनका मुकम्मल बॉयकॉट करके इनको बुरा भला कहना शुरू किया तो उनके माँ बाप ने उन्हें वापस हिंदू धर्म में आने को कहा तो उन्होंने फिर से इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। नंबर 4, महमदुल हसन। महमदुल हसन 10 सितंबर 1990 को बांग्लादेश में पैदा हुए जो कि बांग्लादेशी क्रिकेटर का एक बड़ा नाम है। वो साल 2008 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के बांग्लादेश के क्रिकेट टीम का एक अहम हिस्सा थे और बांग्लादेश के टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। महमदुल हसन का ताल्लुक वैसे तो इस्लाम से था लेकिन उन्होंने अपने क्रिकेट करियर के दौरान अचानक से इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया।
इस्लाम छोड़ने के बाद उन्होंने अपना नाम महमदुल हसन से बदलकर विकास रंजन दास रख लिया। नंबर 5, जोया अख्तर। जोया अख्तर 14 अक्टूबर 1972 को भारत के शहर मुंबई में पैदा हुई, जो कि एक मशहूर अभिनेता की बड़ी बेटी है। जोया अख्तर एक मशहूर राइटर होने के साथ साथ एक बेहतरीन डायरेक्टर भी है, जो कि बॉलीवुड को अब तक बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्में दे चुकी है। जोया के आबा अजदाद नामवर स्कॉलर्स में से एक है और जोया भी एक मुसलमान के तौर पर ही पैदा हुई थी। लेकिन सबसे पहले जोया के वालिद जावेद अख्तर ने इस्लाम को छोड़ने का ऐलान किया और उसके कुछ अरसे के बाद जोया ने भी इस्लाम को छोड़कर ला दीनियत को अपना लिया, यानी इनके मुताबिक इस कायनात में कोई खुदा मौजूद नहीं है। अस्तग़फिरुल्लाह माज़ल्ला। नंबर 6, जुबैदा बेगम। जुबैदा बेगम साल 1911 में मुंबई में पैदा हुई, जो कि एक मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। जुबैदा बेगम भारत की एक जानी मानी अदाकारा थी जिन्होंने कई साल तक इंडस्ट्री पर राज किया। इनकी ज़िंदगी से मुतासिर होकर ही साल 2001 में जुबैदा नाम से एक फिल्म भी बनाई गई। अपने करियर के दौरान जुबैदा को हैदराबाद के महाराज नरसिंह धनराज से प्यार हो गया, जो कि एक हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखते थे। लिहाजा इन्हीं से शादी करने के लिए जुबैदा बेगम ने अपना दीन इस्लाम छोड़ दिया और अपने शोहर के मजहब को अपना कर एक रानी बन गई और अपनी दुनिया और आखिरत को तबाहो बर्बाद कर दिया। नंबर 7, सारा हैदर। सारा हैदर पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई, जो एक सिंगर होने के साथ साथ म्यूजिक कंपोजर भी है। उन्होंने कोक स्टूडियो नाम से मशहूर म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर भी परफॉर्म किया और वहीं से इन्हें काफ़ी शोहरत भी हासिल हुई। इसके बाद सारा पाकिस्तान को छोड़कर अमेरिका चली गई और सारा आजकल अमेरिका में ही सेटल्ड है। मुस्लिम फैमिली में पली बड़ी सारा ने अमेरिका जाने के बाद इस्लाम को छोड़ दिया और आज वो अमेरिका में एक्स मुस्लिम ऑफ नॉर्थ अमेरिका के नाम से एक एनजीओ चला रही है, जिसमें वो लोगों को इस्लाम छोड़ने और इनकी माली मदद करने में इनका साथ देती है। नंबर 8, चंद्रमोहन। चंद्रमोहन इंडिया की हरियाणा स्टेट के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, जिनकी मजहब की दास्तान काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार है। चंद्रमोहन 13 सितंबर 1965 को पैदा हुए, जो कि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का अब एक अहम हिस्सा है। वो पैदा तो एक हिंदू के तौर पर हुए थे, मगर एक मुस्लिम औरत से शादी के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ अरसे बाद इनकी अपनी बीवी से बन ना सकी, लिहाजा दोनों ने शादी को ख़त्म करने का फैसला किया और तलाक के बाद चंद्रमोहन ने अपना पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए फिर से इस्लाम को छोड़कर हिंदू मजहब को अपना लिया। नंबर 9, तारिक फतेह। तारिक फतेह मुसलमान होने के बावजूद इस्लाम का असली दुश्मन और गद्दार वतन निकला, जो कि अब एक एथिस्ट बन चुका था। तारिक फतेह पैदा तो कराची में हुआ था और इसके बाद पाकिस्तान से भागकर कनाडा चला गया। वहां उसने इस्लाम के खिलाफ तहरीकें चलाई और लोगों को बड़े पैमाने पर इस्लाम छोड़ने के लिए उकसाता रहा। तारिक फतेह इस्लाम को छोड़कर लादीन हो चुका था और इसी साल 2023 में 24 अप्रैल को उसकी कैंसर से दर्दनाक मौत हो गई। नंबर 10, अली अमजद रिजवी। अली अमजद रिजवी जो पाकिस्तान में पैदा हुआ और एक राइटर है। अली अमजद 10 साल सऊदी अरब में रह चुका था, मगर इसके बावजूद उसने इस्लाम को छोड़कर ला दीनियत को पसंद किया। आज अली अमजद कनाडा में रहता है और उसने एक किताब भी लिख रखी है, जिसका नाम द एथिस्ट मुस्लिम के नाम से है, जो बेमतलब की किताब है जो उसने लिखी है। इसमें सिर्फ वही लिखा है कि उसने इस्लाम छोड़ने के बाद उसको क्या क्या फेस करना पड़ा। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे 10 लोग हैं जिन्होंने इज्जत की खातिर, मोहब्बत की खातिर या दौलत शोहरत की खातिर दीन इस्लाम की असली दौलत को, असली दीन हक को छोड़ दिया और इस्लाम से दूर हो गए। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम मुसलमान हैं, दीन इस्लाम को मानने वाले हैं। अल्लाह ताला ने हमारे ईमान को सलामत रखा है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब करे और मरते दम तक प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता। तो दोस्तों, ये तमाम एक्शन जो हमने देखा, वो 10 बदनसीब बकबक लोग जिन्होंने शोहरत, सस्ती शोहरत, झूठी शान कह लीजिए, जो चंद दिनों की है, शान, शोहरत, नाम, पैसा, दौलत, सब कुछ, पावर जो चंद दिनों का है, उसकी वजह से उन्होंने इस्लाम को छोड़ के, और यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह ने उनके दिलों से ईमान को निकाल लिया और वो अब उनको काफिर कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा पता नहीं। बहरहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि हम लोग मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, और हमारा अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमारा जब भी इस दुनिया से हमारा जाने का वक्त हो, ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त हो, ईमान की हालत में मेरा अल्लाह ताला दम निकले और दम निकलने टाइम कलमा तैयबा हम सब मुसलमानों के ज़बान पे अल्लाह ताला नसीब करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा और पूरी उम्मत के लिए दुआ ज़रूर किया करिए, हर नमाजों में दुआ करिया करिए और पाबंदियों से 5 टाइम की नमाज़ ज़रूर पढ़ा करिए और अपने आप को फ़ख्र महसूस किया करिए कि हम अपने प्यारे आका ने पाक से उम्मती हैं और मुसलमान हैं, एक अल्लाह को मानने वाले हैं। ये हर मुसलमान को सोचना चाहिए।
और उस पर नाज होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए, गुरू नहीं होना चाहिए, बस अच्छाई का साथ हमें लेना चाहिए और अल्लाह को राज़ी करने के लिए वो सारे काम करें जो अल्लाह को पसंद हैं। और सबसे अहम काम है नमाज़ पढ़ना, तो नमाज़ की दावत ज़रूर दें सबको, ख़ुद भी नमाज़ पढ़ें और लोगों को भी नमाज़ पढ़ने की दावत दें। तो इंशाल्लाह चाहे तो फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।